जयपुरवासी सावधान हो जाइए, अब जरूरत नहीं है कि नो पार्किंग में खड़े वाहनों का ही चालान हो। अगर आप कार लेकर बाजार में निकल रहे हैं और नो पार्किंग का बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है और सड़क पर बेतरतीब तरीके से अपनी कार को खड़ी कर दी तो आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है, क्योंकि राजधानी जयपुर में अब 20 ट्रैफिक हॉक्स जयपुर के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। ये हॉक्स शहर के विभिन्न इलाकों में बेतरतीब खड़े हुए वाहनों से होने वाली यातायात समस्या और उसमें विघ्न पैदा करने वाले चालकों पर नजर रखेंगे। इसके लिए सभी हॉक्स को 20 कैमरे मुहैया कराए गए हैं, जिसमें यातायात पुलिसकर्मी कैमरे के जरिए उक्त गाड़ी का फोटो क्लिक कर उनका चालान करेगा। डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश की माने तो ट्रैफिक हॉक्स के जरिए यहां यातायात जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी, वहीं ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार होगा। हम लोग सबके ऊपर नज़र रख रहे हैं और अभी हमने 20 एक हॉक का सिस्टम शुरू किया जिसमें कि 20 हॉक्स लगाएं विद कैमरा और उसके भी अच्छे नतीजे आ रहे हैं। अभी 2 दिन ही हुआ है तो मैं मानता हूं कि कुछ दिन तक इस सिस्टम के चलने के बाद बहुत सारे ऐसे इलाके जो कि पार्किंग रोड पे करने के कारण लोगों को कंजेशन होता है, प्रॉब्लम होता है, उससे मुक्ति हो जाएगी। इसके अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करते सड़क के ऊपर, हमारा जो हॉक है वो सिर्फ फ़ोटो खींचता है जिस कंडीशन में उसकी गाड़ी खड़ी है, अगर वो नो पार्किंग में है या रोड के ऊपर है। नो पार्किंग का यहाँ मतलब भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा हो केवल वही नो पार्किंग नहीं है। अगर आपकी गाड़ी मेन कॉजवे में मतलब सड़क के ऊपर खड़ी है तो अपने आप नो पार्किंग की कार्रवाई के लिए गाड़ी है। तो आप लोग ये मत सोचे, कोई भी जनता ये नहीं सोचे कि नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा तो हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। आपको सड़क से उतार के ही गाड़ी खड़ी करनी है, व्हाइट लाइन के बाहर गाड़ी खड़ी करनी है। तो हम लोग उसका फोटो खींचते हैं, फोटो खींच करके उसको व्हाट्सएप पे चालान भेजते हैं और फिर उसको डाक से भी चालान।